से हमारे दोस्त सर सैयद अहमद खान को फॉलो करते हैं और उनके अकायद को फॉलो करते करते वो अपने असल जो इस्लामिक अकायद है उनसे दूर हट चुके हैं। तो सर सैयद अहमद खान के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो पूरी सुनिएगा और मैं दलील के साथ आपको जवाब दूंगा। इनकी सर सैयद अहमद खान की बुक्स भी सारी मार्केट में अवेलेबल हैं। इन्होंने जो तफसील लिखी कुरान पाक की वो भी मार्केट में अवेलेबल है, आप वो जाके पढ़ भी लीजिएगा, आपको इनके कुफरिया कायद के बारे में पता लग जाएगा। जो सर सैयद अहमद खान थे वो फिरका नेचरिया मीन्स के वो नेचर फिरके पर जो है उसको फॉलो करते थे, जबकि इस्लाम ही मुसलमानों के लिए एक मजहब है, कोई फिरका नेचरिया इस्लाम में साबित नहीं है। तो सर सैयद अहमद खान के जो कुफरिया गाय थे कुछ मैं आपको बताता हूँ कि वो अपनी कुरान की तफसीर में लिखते हैं कि जिब्रीन नाम का कोई फरिश्ता नहीं था, ना वो वही लेकर आता था, बल्कि ये एक कुव्वत का नाम है जो नबी में होती है। तफसीरुल कुरान सर सैयद अहमद खान जिल्द 1 सफा 130। फिर कहते हैं जिन्नात के बारे में कि जिस तरह जिन्नों की महलूक को मुसलमान ने तस्लीम किया है, ऐसे महलूक का वजूद कुरान से साबित ही नहीं, मतलब कि अल्लाह खुद कुरान में कहता है कि मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, इन्होंने जिन्नों के जो वजूद है उसका इनकार कर दिया। इसकी भी आपको मिल जाएगी जो प्रूफ है वो है मकालात सर सैयद अहमद हिस्सा 2 सफा 180 नाशिर मजलिस तरक्की अदब लाहौर, यहां से आपको ये मिल जाएगा प्रूफ। उसके बाद इन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजजात का इनकार कर दिया। कहते हैं तफसीरुल कुरान सर सैयद अहमद खान जिल्द 13 सफा 171 पे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस ख्याल से वो लकड़ी सांप है फेंकी कि उनको लगा कि ये सांप बन गया, लेकिन असल में ये एक लाठी ही थी। मतलब कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो मौजजा था कि लकड़ी सांप बन जाता है वो इन्होंने गलत करार दे दिया और कहा कि ये इनके जहन का ये ख्याल था कि वो सांप बन गया, माशाल्लाह। फिर इन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहा, कहते हैं मेरे नजदीक कुरान मजीद से इनका बेबाप होना साबित नहीं है। मतलब आज तक मिल्लत इस्लामिया इस बात पर मुतफिक है कि ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए, मगर सर सैयद कहते हैं कि मेरे नजदीक इनका बिना बाप के पैदा होना साबित नहीं है। ये है मकतूबात सर सैयद हिस्सा 2 सफा 116। फिर ये कहते हैं और वो यानी कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम हस्बे कानून फितरत इंसानी अपने शोहर यूसुफ से हमला हुई, माजल्ला। तफसीरुल कुरान सर सैयद अहमद खान जिल्द 2 सफा 30, माजल्ला। फिर ये कहते हैं फिर इन्होंने हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजजात का इनकार कर दिया। इन्होंने कहा जो चांद उन्होंने तोड़कर दिखाया वो भी जो है कहीं से साबित नहीं है। अच्छा फिर ये अल्लाह सुबहाना व तआला के बारे में क्या कहते हैं, कहते हैं अल्लाह अपने जो नॉर्मली अल्लाह ने अपने कलाम में फरमा दिया है कि इस्लाम जो है अल्लाह का जो है अल्लाह का दीन है, लेकिन ये लिखते हैं कि जो हमारे खुदा का मजहब है वही हमारा मजहब है, खुदा ना हिंदू है ना अरफी मुसलमान ना ला मजहब ना यहूदी ना ईसाई, वो तो पक्का चटा हुआ नेचरी है, मतलब कि वो नेचरी है। मकालाते सर सैयद हिस्सा 15 सफा 147। फिर ये आगे जाकर कहते हैं कि जो हजरत सल्लम की नबूवत थी वो भी एक फितरी थी, यानी कि जैसे कोई लोहे का काम करता है उसमें वो एक्सपर्ट होता है माहिर होता है, वो भी अपने माहिर का जो है पैगंबर होता है, यानी कि हर जो जैसे पुलिस वाला है वो अपने शोबे में माहिर है तो वो भी अपने शोबे का पैगंबर है। मतलब कि इन्होंने नबूवत को छोटा सा खिलौना समझ लिया। ये भी आपको मिल जाएगी तफसीरुल कुरान सर सैयद अहमद खान के जिल्द 1 सफा 24 से 23 तक। फिर ये नीचे लिखते हैं जितने पैगंबर गुजरे सब नेचरी थे, मतलब कि उनका कोई दीन नहीं था, वो सब जो है एक अपने ख्यालात में खोए रहते थे। तो ये चीजें आपको पहुंचाना बड़ा जरूरी था, आप इनको देखिए, यकीन माने कि ऐसे ऐसे पॉइंट्स हम आपको देंगे कि आप सोचते रहेंगे कि हम किन लोगों को फॉलो करते हैं, और इनकी किताबें पढ़ने से गुरेज कीजिए।